मैं एक्सरसाइज 28 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, डिफरेंशिएट एक्स पर पावर 4 बाई साइन एक्स। सॉल्यूशन, लेट u इक्वल टू एक्स पर पावर 4 एंड v इक्वल टू साइन एक्स। देयरफॉर u डैश इक्वल टू du बाय dx इक्वल टू d बाय dx। u क्या है, एक्स पर पावर 4 इक्वल टू 4 एक्स पर पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 एक्स पर पावर 3 एंड वी डैश इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। वी क्या है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। सो बाय कोसेंट रूल, सो बाय कोसेंट रूल यू बाय वी का होल डैश इक्वल टू u डैश भी माइनस u भी डैश बाई वी स्क्वायर, वेयर भी इज नॉट इक्वल टू जीरो। u का वैल्यू x पर पावर 4 और v है साइन x का होल डैश। यू डैश मेरा क्या है, यू डैश है 4 एक्स पावर 3। भी क्या है, तो भी है इनटू साइन एक्स माइनस यू क्या है एक्स पर पावर 4 और भी डैश क्या है, तो भी डैश है कॉस एक्स। भी स्क्वायर, तो भी मेरा क्या है साइन एक्स का होल स्क्वायर। हम देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन हम ले सकते हैं कि नहीं, तो हम कॉमन इसमें ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तो एक्स क्यूब को कॉमन हम लेंगे, तो यहाँ एक्स क्यूब जब कॉमन लिया जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, तो बचेगा 4 साइन एक्स 4 एक्स क्यूब बाहर गया, ये 4 बच गया, इसको यहाँ लिख दिए, और फिर ये साइन एक्स जो बचा है उसको इस तरह से लिखे, यहाँ से निकल गया एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, तो माइनस एक्स और फिर कॉस एक्स। बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। डिफ्रेंशिएट रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स। सॉल्यूशन, लेट यू इज इक्वल टू रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर एक्स एंड वी इज इक्वल टू
रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स, देयरफॉर यू डैश इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। यू क्या है तो रूट अंडर ए और प्लस रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू रूट अंडर एक्स एंड वी डैश इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू रूट अंडर एक्स। यहाँ भी एक्स होगा, गलती से तो लिखा गया। सो बाय प्रोडक्ट, सो बाय कोसेंट रूल, सो बाय कोसेंट रूल तो बाय कोसेंट रूल यू वी होल डैश इज इक्वल टू यू डैश भी माइनस यू वी डैश बाय भी स्क्वायर वेयर भी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे तो यू और भी का वैल्यू डालेंगे। यहाँ दिया हुआ है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स का होल डैश इज इक्वल टू, अब यू डैश मेरा क्या है, यू डैश है वन बाई टू रूट अंडर एक्स इंटू भी क्या है तो भी है रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स माइनस यू क्या है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर एक्स इंटू माइनस वन बाई टू रूट एक्स। माइनस स्पष्ट दिखाते हैं, ठीक है माइनस वन बाई टू रूट एक्स। अब भी क्या है रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अगला स्टेप लिखते हैं, रूट अंडर ए बाय टू रूट एक्स मल्टीप्लाई करने पर ऐसा हो रहा है ए रूट अंडर एक्स बाय टू रूट एक्स। फिर प्लस रूट अंडर ए बाय टू रूट एक्स। फिर प्लस रूट अंडर एक्स बाय टू रूट एक्स। ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल होगा। नीचे क्या है रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या बचेगा
यहाँ बचता है रूट अंडर ए बाई टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए बाई टू रूट अंडर एक्स, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके बाद सी एम लेंगे, लिखेंगे टू रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये रूट ए रूट ए क्या हो जाएगा तो टू रूट ए बाई टू रूट एक्स बाई रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये टू से टू कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचा रूट अंडर ए बाई रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद में वन लगा के इसको अगला प्रोसेस करेंगे रूट अंडर ए बाई रूट अंडर एक्स इंटू वन बाई रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए बाई रूट अंडर एक्स रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। वन प्लस साइन एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे देखिए, लेट क्यू इज इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स एंड वी इज इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स, देयरफॉर यू डैश इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यू का वैल्यू क्या है वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स एंड वी डैश इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वी क्या है वन माइनस साइन एक्स, इसका वैल्यू वन माइनस साइन एक्स का वैल्यू माइनस कॉस एक्स। सो बाय क्वेश्चन टू यू बाई वी का होल डैश इज इक्वल टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश बाई वी स्क्वायर वेयर वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस फॉर्मूले को लेकर आगे वैल्यू पुट कर रहे हैं, U का वैल्यू क्या है, U का वैल्यू है वन प्लस साइन एक्स और V का वैल्यू है वन माइनस साइन एक्स का वोल्टेज, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू U डैश का वैल्यू, U डैश का वैल्यू है कॉस एक्स, क्या है यू डैश का वैल्यू कॉस एक्स
इनटू, इसके बाद भी है, भी का वैल्यू क्या है, वन माइनस साइन एक्स। फिर यू का वैल्यू क्या है, माइनस यू का वैल्यू वन प्लस साइन एक्स, यू का वैल्यू वन प्लस साइन एक्स, तो यहाँ डालेंगे वन प्लस साइन एक्स। फिर वी डैश का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो माइनस कॉस एक्स, यहाँ लिखेंगे इनटू माइनस कॉस एक्स, और यहाँ वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू क्या है, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, फिर प्लस, इसमें देखिए ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस कॉस एक्स और माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस इसको माइनस करेगा तो माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तो प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। तो ये प्लस कॉस एक्स साइन एक्स पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर जो है उसी को लेके चलेंगे। अब आगे कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही हो गया आंसर। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डिफरेंशिएट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सॉल्यूशन, लेट यू इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड वी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देयरफॉर यू डैश इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यू का वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये किसके बराबर होगा, ये होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एंड वी डैश इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वी का वैल्यू क्या है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सो बाय कोसेंट रूल यू
by v whole dash is equal to u dash v minus u v dash by v square, where v is not equal to zero. अब देखिए यहाँ u का वैल्यू डालते हैं. u का वैल्यू मेरा क्या है, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x, और v का वैल्यू साइन x प्लस कॉस x का होल डैश. यू डैश मेरा क्या है, यू डैश कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. भी क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. फिर माइनस यू, यू का वैल्यू क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. भी डैश का वैल्यू क्या है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस सेम इसी के अनुसार, क्योंकि इसमें साइन निगेटिव है कॉस पॉजिटिव है. अगर हम इसके अनुसार इसको करेंगे तो माइनस करके ये अंदर में जब जाएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा साइन. तो साइन एक्स और कॉस जो है यहाँ पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव माइनस कॉस एक्स बाई भी. तो भी क्या है, साइन एक्स प्लस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ऐसे इसको लिखते हैं आगे, फर्स्ट दो पार्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. फिर अगले पार्ट को जब करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. हम देखिए यहाँ ये प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, कैंसिल हो गया. तो बचेगा क्या, तो बचेगा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. अब क्या करेंगे यहाँ, तो टू दोनों में है इसलिए टू को कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. नीचे वाले को क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ हम जानते हैं कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो इसी फॉर्म में यहाँ आया हुआ है। और ये नीचे का जो ये पोर्शन है ये भी उसी फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे इसके बदले तो वन वैल्यू डालेंगे, तो लिखेंगे टू इंटू वन, इसके बदले में लिखेंगे वन और प्लस, और ये टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बजाय हम लोग लिखेंगे साइन टू एक्स इक्वल टू टू बाय वन प्लस साइन टू एक्स, यही आपका आंसर हुआ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।